हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। मैं स्पाइक खान सर। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें जो क्वेश्चन करना है बेटा आज, हमें वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 to 6 करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बेटा उसे जरूर करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है आज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, यानी कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि इक्वेशन आपको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस में 1 = 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 = 0। तो ये आपके दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड द एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। यानी कि जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो एक ट्राइंगल्स बनेगा, उस ट्राइंगल को शेडिड करना है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देना है, इसका आपको सॉल्व करके ग्राफ बनाना है। ग्राफ जब बनाओगे तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक ट्राइंगल शेप में, उस ट्राइंगल शेप को हमें शेडिड कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, क्या आपके इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन है आपका, सबसे पहला इक्वेशन है आपके पास एक्स माइनस वाई आपके पास प्लस 1 = 0 है, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड की बात करेंगे तो 3x प्लस में 2y आपके पास माइनस में 12 = 0। ये इक्वेशन क्या है बेटा हमारा, ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड आ गया है। क्लियर? तो अब हम इसे सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, x माइनस वाई प्लस 1 = 0। तो हम रखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 है ये। अब उसके बाद क्या होगा, x इक्वल टू माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। और यहाँ पर आप बनाएंगे एक बॉक्स हर बार की तरह, जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं। ये x होगा, ये y होगा, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहा हूँ, आप यहाँ पे 3 और 4 पॉइंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू y की जगह हम क्या रखेंगे, 0 - 1, आपने y की जगह रखा यहाँ पे 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1। तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस 1। आपको पता है ग्राफ पे जब हम पॉइंट रखते हैं तो पहले 0 फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से रख के देखते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है 1, 2, 3 वो किस हिसाब से है, तो उसके हिसाब से बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू माइनस 1, अब यहाँ क्या रख देते हैं हम 1, क्या रखेंगे बेटा यहाँ पे 1, तो x इक्वल टू आपने रखा 1 - 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 0। क्लियर एकदम, बहुत आसान है। अब हम इक्वेशन क्या लेंगे, इक्वेशन लेंगे सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 3x प्लस में 2y आपके पास दिया माइनस में 12, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस में 2y इक्वल टू माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आएगा 3x इक्वल टू 12, ये प्लस हो जाके माइनस में 2y। तो x इक्वल टू 2 12 - 2y / 3। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा अकेला रखते हैं ताकि इजिली सॉल्व हो जाए। तो अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स बना के हम करते हैं। तो x इक्वल टू 12 - 2y / 3, तो y की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पे 0। तो आपने ये बॉक्स बनाया, ये आपके पास x और ये y, आपने देखा कि आपने y की जगह क्या रखा है 0 बेटा, ठीक है, y की जगह क्या रख दिया आपने यहाँ पे 0। तो x कितना आएगा आपके पास, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 2 0 0/3 इक्वल टू 12/3। तो 3 1 3 3 4, तो आपके पास कितना आ गया 4 आ गया, इजी है। अब हमने y की जगह क्या रखा 0 रखा, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, रख सकते हैं 1 2 3, बट हम पॉइंट देख लेंगे क्या है हमारे पास, हमारे पास था x इक्वल टू 12 - 2/3। तो अब बेटा हम यहाँ पे ये y की पॉइंट है, अब यहाँ y की जगह वो डिजिट रखना है
कि अगर इनको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको 12 में से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड हो जाता हो। एग्जांपल मैं यहां पे रख लेता हूं 3 बेटा, डिवाइड बाय 3, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3 टू जा 6 डिवाइड बाय 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, यहां कर लेते हैं इसको 12 में से 6 का 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे कितना आ गया 2 आ गया। आपने क्या रखा था y की जगह, 3 रखा था हमने, है ना, तो y की जगह अगर हम 3 रखा है तो क्या रखेंगे, y की जगह हमने 3 रखा तो x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो अभी हमें देखो दोनों पॉइंट मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का पॉइंट मिल गया। अब हम पॉइंट को चेक करेंगे ग्राफ बनाने के लिए कि सबसे छोटा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है। तो सबसे छोटा पॉइंट बेटा -1 है, ये 1 है, और सबसे बड़ा पॉइंट आपके पास 4 है। तो यानी ग्राफ पे हम 1 से लेकर 5 तक बना सकते हैं क्लियरली, तो हम 1 से लेकर 5 बनाते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, आपको ये बेटा दिख रहा होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। पॉइंट देखो ये सिर्फ लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ मैं तेज, ठीक है बेटा, और ये पॉइंट आपका ये रहा। आप लोग ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाना, ठीक है, वैसे आप एग्जाम में आप लेके जाओगे तो आपको ग्राफ वहां मिलेगा, पेंसिल लेके जरूर जाना जब भी आप एग्जाम देने जाते हो। ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई होता है, आपको अच्छे से पता है ये एक्स होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, क्लियर हो गया। और आप देख सकते हैं इनके पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, अब हमारे पास पॉइंट्स जो हैं, अब हम उन पॉइंटों को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में x का -1 है, y का 0 है, यानी y का कोई पॉइंट लेंगे सीधा x के -1 पे ले लेंगे, ठीक है। तो हम x का -1 लेंगे, तो x का पॉइंट ये रहा, तो ये x का -1 आपके पास हो गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां ले लेते हैं ये -1 ले लिया, तो आपने यहां पे क्या रखा है -1 और 0 पॉइंट बना दिया ना। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, x का 0 है, यानी x का कुछ भी नहीं लेना आपको, y का 1 लेना, लेकिन प्लस का। तो अब यहाँ पे y का 1 लेंगे, y का 1 ये रहा प्लस का, तो यहां बनेगा आप देख सकते हो पॉइंट, यहाँ पे ऐसा डार्क कर दोगे, ये 1 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिया है, आपने लिया है 0 और 1, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट्स को आपको मिला देना है, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से मिलाऊंगा जिससे पता चले कि हमारा ट्रायंगल कैसा बना है, है ना। ये देख सकते हैं आप, ये देखो बहुत अच्छा बनेगा इसमें, ये देखो, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके बन गए, क्लियर है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट्स बनाएंगे सेकंड इक्वेशन का। तो सेकंड में क्या करा है, एक्स का आपके पास 4 है, वाई का 0 है, यानी वाई का कोई पॉइंट नहीं लेंगे, एक्स का प्लस 4 लेंगे। तो आपके पास एक्स का प्लस 4 यहां है, तो आप यहां ले लेंगे कि आपके पास 4 है यहां पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पॉइंट का नाम रख दीजिए कि x का 4 है और y का क्या है 0 है, ठीक। उसके बाद आप क्या देखेंगे, x का क्या है आपके पास 2 और y का कितना है 3, दोनों ही प्लस में, 2 और 3, x का 2 हो गया और y का 3 आपका यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 और 3 हो गया। अब इस पॉइंट को बेटा हम मिला देंगे यहाँ पे, मिला के देखेंगे कैसा आ रहा है हमारा पॉइंट यहाँ पे, इसे मिलाते हैं। आप देख सकते हो इसने पहले ही बोला था कि एक ट्रायंगल बनेगा और ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ट्रायंगल बन गया ना। अब इसको आपको क्या करना है, इसको शेड कर देना। तो जो पॉइंट यहाँ पे कटा हुआ वो ए, ये पॉइंट आपका बी और ये पॉइंट आपका सी है। तो पॉइंट आपने तीनों ए बी सी लिख दिया, क्या है इसको हम शेड कर देते हैं, ये देख सकते हैं पेंसिल से कर दिया मैंने, शेडिट करा इसने करने को कहा है, ये आपको शेड कर देना है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका शेडिड हो गया, ठीक है। अब आपके जो पॉइंट्स होंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट काट रहा होगा, आप उनके नाम लिख देना आपके पास क्या है, ठीक है, वर्टेक्स में आपके पॉइंट्स क्या हैं। तो ए का पॉइंट आप देखेंगे तो 2 और 3 है, अब बी का पॉइंट देखेंगे तो -1 और 0 है, और आप सी के पॉइंट देखेंगे तो आपके पास 4 और 0 है। तो ये बेटा आपका वर्टेक्स हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कंप्लीट हो गया।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 7 बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MN Institute को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।